दोस्तों फिरौती क्या होती है ये तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों ये पनवेल के जो है वसूली भाई वाली फिरौती नहीं है, ये नेशनल लेवल की लीगलाइज्ड फिरौती। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिरौती को, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बता दिया है। ये जो इन्फॉर्मेशन आई है सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने पर SBI से निकलवाई है। इस इन्फॉर्मेशन आने के बाद ऐसा लग रहा है ये खेल बहुत ही ज़्यादा गंदा है और हमारे देश में जो है ओपन फिरौती चल रही है। अभी जो इनिशियल सर्वे है उसमें से टॉप 30 डोनर्स में से आधे डोनर्स पर प्रॉप एजेंसीज ने रेड किया है। टॉप डोनर में सबसे पहले आते हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 1368 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं या इतने पैसों के इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे हैं। क्यों हो सकता है? इसलिए ईडी ने अप्रैल 2022 में इनकी प्रॉपर्टी सी अटैच कर ली थी जिसकी वैल्यू 409 करोड़ रुपए थी। दूसरे नंबर पर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इन्होंने जो है वो 966 करोड़ रुपए डोनेट किए थे या कहे कि इतने पैसों के इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे थे। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 2019 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके पीछे पड़ गया था और इनके खिलाफ जो है उन्होंने रेड कैरी आउट की थी और यही केस बार बार रिपीट होते हैं टॉप 14 डोनर्स पर। बाद आते हैं हल्दिया इंजीनियरिंग लिमिटेड 370 करोड़, वेदांता लिमिटेड 400 करोड़, 14 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 162 करोड़, इतने में तो फ्री में ही इलाज हो जाता। ELF कमर्शियल डेवलपर लिमिटेड 130 करोड़। सेम स्टोरी रिपीट होती है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ, IFB एग्रो लिमिटेड के साथ। ये डाटा प्रोवाइड किया सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने पर SBI। एक सेट ऑफ डाटा से इतनी गंदगी और इतनी धांधली हमारी डेमोक्रेसी में पाई गई। तो सवाल ये नहीं कि कौन आएगा कौन आएगा, सवाल ये है कि हमारी डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है।